हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। नीर के एग्जाम्स बस होने वाले हैं ओवर और कल है लास्ट एग्जाम। खैर दिन की शुरुआत हुई हमारी और सबसे पहले बना था नीर का टिफिन और आज नीर के टिफिन में गया था सब्जियों वाले जवे। सब्जियों में मैंने यूज़ किया था प्याज, थोड़ी सी बीन्स और साथ ही में आलू एंड गाजर। आज का ब्रेकफास्ट था कॉमन, हमने भी यही लेके जाना था। तो बस फाइनली नीर का टिफिन बॉक्स हुआ पैक और वो चल पड़ा था अपने स्कूल और मेरा भी हो चला था मॉर्निंग वॉक का टाइम। अभी भी बारिश नहीं हो रही है तो एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर अराउंड 3900 स्टेप्स करे थे कंप्लीट और मैं पहुंची घर। घर पहुंच के रेडी होके जल्दी से मैंने स्टार्ट कर दिया था लंच बनाना, लेकिन उससे पहले बना दिया था देसी घी। ये काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रहा था तो फाइनली आज हो गया था कंप्लीट और लंच में बने थे आलू परमल की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है और बस लास्ट में इसको गार्निश कर दिया था हरे धनिया के साथ और फाइनली सब कुछ था रेडी, पैक किया और मैं चल पड़ी थी ऑफिस। और ऑफिस के बाद शाम को हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है नीर के साथ, जिसमें होती है खूब सारी चिटचैट और क्या क्या हुआ स्कूल में वगैरह वगैरह। आज एक लड़का है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो एक लड़की का सिम पोकर मेरे से उसमें दोस्ती तोड़ती। लड़की से सिम पोकर? लड़के मतलब उसका दीवाना टाइप होकर। सिम क्या होता है? सिम मतलब सब दीवाना होना, उसको बस सिंपैथी और अटेंशन शो करना। ये सिम तो हमने नहीं कभी सुना वर्ड, इंटरनेट स्लैंग है। अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है? हाँ, क्लास है, में मेरे एक बस में, मेरे बस में दो है, ठीक है, एक पंजाबी है और एक ओडिशा का है। ठीक है, मेरा पढ़ाई की थोड़ी बात कर, बस पढ़ाई के नाम पे उसको चींटियां से काटने लग जाती है। सीखने पड़ेंगे हमें इंटरनेट के स्लैंग। नर्ड तो पता है मुझे, नर्ड जो किताबी कीड़ा है बहुत। मीनी? हाँ। मीनी क्या होता है? मीनी जो खुद को बहुत मीन, मतलब बहुत। अच्छा, आपने आपको बहुत समझता है। FR, नहीं मीनी जो मतलब ही होता है। मीनी मतलब ही। हाँ। FR हो गया। FR क्या होता है? फॉर रियल ये आया था हिंदी में मुझे। दो लिटरली दो ऑप्शन दिए थे, एक तो सुबह उठ लगी फायदे, वो तो खुद मेरे को इतना नर्क टाइप लगता है। नेक्स्ट लिखा था जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इतना मैंने पूरे के पूरे 96 वर्ड्स लिखे हैं। क्या सुबह उठने के फायदे तो नहीं लिखा होगा? जो 12 बजे सो के उठ रहा है, फायदे ये कि अपने बेटे को, जो 12 बजे सो के उठ रहा है वो क्या लिखेगा सुबह उठने के फायदे? कि सुबह उठने से हमारे बेटे की जिंदगी खराब होती, बेटे को नींद नहीं आती सही से, बेटे आंखें ऐसे होती। नीर के साथ चिटचैट तो हमारी पूरा दिन चल सकती है। खैर उस पर लगाया थोड़ी देर के लिए ब्रेक और बना दिया था डिनर और आज डिनर में गया था सब्जियों वाला दलिया और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाल दी थी मूंग छिलका दाल और हेल्दी सा डिनर हो गया था हमारा रेडी। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और साथ ही में इतना सिंपल, इसमें मसालों में सिर्फ हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डलता है। मैंने बोला कि मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक है, ऐसे जो ये कर लिया अच्छा, बैडमिंटन मेरे लिए बनना है। मतलब आप बैडमिंटन आपका करियर बन सकता है? मैं कैसे मान रहा हूं, बस अब आप इंडिया के बैडमिंटन टीम से खेलना शुरू कर दो फिर। मतलब थोड़ा मेरी चार उंगली देखो, ये हमारा बैक साइड है, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसको बैक हैंड ग्रिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो थंब होता है ये बैक साइड होता है और जो हमारे चार फिंगर्स होते हैं फ्रंट साइड होते हैं, जिससे हम इसको ऐसे प्रॉपरली होल्ड करके मार सकते हैं। तो आप कोचिंग भी दे सकते हो बैडमिंटन। अब आपके सर से बुमराह, विराट कोहली इन सबका भूत उतर चुका है। मैं जेन्युइनली बोलूं क्रिकेट ना मेरे लिए बना रही है। हाँ, आपको पता चल गया ना कि आपके लिए धोनी जो थे, धोनी, MS धोनी, आपको पता ही होंगे वो क्रिकेट में अच्छे थे, उनको विकेट कीपिंग इतनी अच्छा था, तो बैटिंग अच्छे से करते थे। मैं तो दो बॉल पे आउट हो तो मैं काहे का क्रिकेटर बनूंगा। स्पोर्ट के लिए फिट रहना जरूरी होता है। मैं तो हूँ, मैं फिट, ठीक है। छोले भटूरे ये सब छोड़ने होंगे। मेरा प्लान है जूल रॉजर्स प्लस बैडमिंटन प्लेयर। ये चेंज हो गया आपका? अब ये फिक्स रहेगा? बना नहीं है यार एक्चुअली क्रिकेट, बैडमिंटन प्लेयर ना बन पाऊंगल में वो करनी थी, इंटेस्टाइन सही करना, ये तो नहीं याद आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चश्मे वाले बन सकते हैं बैडमिंटन प्लेयर? हाँ, बैडमिंटन बन सकते हो, बैडमिंटन प्लेयर। करियर फिक्स्ड गाइस, फिक्स है ना अब ये करियर? फिक्स्ड है।
अब चेन नहीं करूंगा, माँ कसम नहीं नहीं अब कसमें ना खाओ, आपको जो करना करो, मेरी कसम मत खाया करो। तो ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।